नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस की हिचकिचाहट की। हिचकिचाहट महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की। कांग्रेस के सामने एक तरफ राज्य में गैर बीजेपी सरकार बनाने का लालच है, तो दूसरी तरफ अपनी विचारधारा से समझौता करने की मजबूरी भी है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनने की ओर कदम आगे बढ़ चुका है और तीनों ही पार्टियों ने मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। लेकिन एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस को सरकार का हिस्सा होना चाहिए, सरकार में शामिल होना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस हिचकिचा रही है। तो आखिर क्यों हिचकिचा रही है कांग्रेस, यही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की हिचकिचाहट को समझने के लिए हमें नज़र डालनी पड़ेगी शिवसेना पर। शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है। शिवसेना वो पार्टी रही है जिसने कि खुलकर बाबरी कांड की जिम्मेदारी ली। शिवसेना वो पार्टी रही है जो कि खुलेआम बोलती है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। शिवसेना पर 1992 और 1993 को मुंबई में जो दंगे हुए थे उसमें हिंसा करने का आरोप लगा है। शिवसेना की छवि एक मुस्लिम विरोधी पार्टी की रही है। जस्टिस श्रीकृष्ण की रिपोर्ट में कई जगहों पर ऐसा कहा गया है कि किस तरह से शिवसेना ने हिंसा को बढ़ावा दिया। उस दौरान शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो संपादकीय छपते थे वो भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने से पहले शिवसेना की छवि एक प्रांतवाद की राजनीति करने वाली पार्टी की भी रही है। शिवसेना की जब स्थापना हुई तो उस वक्त दक्षिण भारतीयों को शिवसेना की ओर से टारगेट किया गया था, उसके बाद गुजरातियों को और फिर उत्तर भारतीयों को। इसके अलावा शिवसेना वो पार्टी भी रही है जो कि सीधे सीधे गांधी परिवार को टारगेट करते आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कई ऐसे संपादकीय छपे हैं जिनमें कि सोनिया गांधी के इटालियन मूल को मुद्दा बनाया गया और काफ़ी तीखे और आक्रामक शब्दों में सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। इसके अलावा कई बार राहुल गांधी का मजाक भी सामना में उड़ाया जा चुका है। देश के कई बड़े मुद्दों को लेकर भी शिवसेना और कांग्रेस का स्टैंड अलग अलग रहा है। मसलन कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर शिवसेना हमेशा से आक्रामक रही है और समर्थन करते आई है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी की सरकार में क्यों शामिल हो जिसके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, जिसके ऊपर प्रांतवाद की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, जो कि गांधी परिवार को टारगेट करते आई है और जिसके विचार कांग्रेस के विचारों से अलग रहे हैं। तो यहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं कि एनसीपी को तो हिचकिचाहट नहीं है शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए। इन दोनों ही पार्टियों की विचारधारा यानी कि कांग्रेस और एनसीपी की विचारधाराएं लगभग एक सरीखी हैं। दोनों अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती हैं, दोनों ही अपने आप को अल्पसंख्यकों का हिमायती मानती हैं। तो ऐसे में जहां एनसीपी को परहेज नहीं है तो वहां कांग्रेस को क्यों परहेज हो गया शिवसेना से? इसका जवाब है दोनों ही पार्टियों की प्रेजेंस। एक और कांग्रेस जहां एक पैन इंडियन पार्टी है यानी कि देश भर में फैली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी सिर्फ महाराष्ट्र तक सिमट कर रह गई है। और महाराष्ट्र के बाहर अगर बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वहां पर ही उनका एक सांसद है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाहर एनसीपी की प्रेजेंस लगभग ना के बराबर है। कांग्रेस एनसीपी से कहीं बड़ी पार्टी है, तो एनसीपी के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने सवाल है कि अगर वो शिवसेना जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेती है तो फिर वो दूसरे राज्यों में अल्पसंख्यकों को क्या जवाब देगी? मसलन केरल में क्या जवाब देगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्या होगा? यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस शिवसेना के साथ आने के लिए फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन कांग्रेस के जो 44 विधायक चुने गए हैं उनमें से ज़्यादातर का मानना है कि कांग्रेस को सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, सरकार में शामिल होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस का आला नेतृत्व है वो महाराष्ट्र से बाहर की सोच रहा है। महाराष्ट्र के विधायक तो चाहते हैं कि सरकार बना ली जाए, लेकिन इसका असर जो महाराष्ट्र के बाहर पार्टी पर पड़ेगा उसको लेकर कांग्रेस का आला नेतृत्व चिंतित है और इसी वजह से वो अब तक अपनी हामी भरने से हिचकिचा रहा है। हालांकि एनसीपी का मानना है कि राज्य में स्थिर सरकार के लिए कांग्रेस का सरकार में शामिल होना जरूरी है। उसने शिवसेना को भी ये भरोसा दिलाया है कि सरकार में शामिल होने की खातिर वो कांग्रेस को मना लेगी और इस सिलसिले में जल्द ही शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच एक मुलाकात भी होने वाली है और उस मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस कोई फैसला ले लेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।